महासंग्राम 2023, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो आज वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार सभी वोटर को है। जी हां, 5 साल के बाद ये मौका आता है और 5 साल के बाद ये मौका वोटर को मिला है और ये घड़ी आ चुकी है जिसका पूरे प्रदेश को 5 साल से इंतजार था। बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व यानी कि राजस्थान विधानसभा चुनाव जिसका इंतजार 5 सालों तक किया जा रहा था, और ऐसे में आज वो दिन आ गया है, सबसे महत्वपूर्ण दिन, जब जनता फैसला करेगी कि जीत का ताज किसके सर बांधना है। और आज चुनाव के उम्मीदवारों का भविष्य लॉक कर दिया जाएगा जनता जनार्दन की तरफ से। 3 दिसंबर, 3 दिसंबर वो तारीख जब मतगणना होगी और पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार जीत रहा है और किस प्रत्याशी को जनता ने साथ नहीं दिया है, किसकी सरकार बन रही है और किसके समीकरण बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार इसे लेकर निर्वाचन विभाग की टीम भी तैयारियों में जुटी हुई है। कई इलाकों के जो पोलिंग बूथ हैं उनका हाल आपको बताते चले, वीआईपी सीटों पर वोटिंग की स्थिति और हर अपडेट, हर एनालिसिस सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक। 199 सीटों पर हमारे 199 रिपोर्टर्स तैनात हैं। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर हमारी टीम मौजूद है, तो चुनाव से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले, सबसे तेज। और इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीतिक दलों की आज महापरीक्षा है, पोलिंग केंद्रों पर सुरक्षा के खास और कड़े इंतजाम किए गए हैं। और चुनाव के हर अपडेट के साथ आज आप न्यूज 18 राजस्थान पर बने रहिएगा, क्योंकि राजस्थान के चुनाव की एक एक तस्वीर, एक एक मतदान केंद्र, एक एक विधानसभा सीट के हाल को, मतदान को लेकर चल रही खबरों को, और जो हॉट सीट पर प्रत्याशी वोट डालने के लिए आएंगे, यूं कहें कि जो वीआईपीज हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे, वो सारी तस्वीरें दिखाएंगे। क्योंकि अमूमन होता, देखिए प्रियंका, यही है कि जब मतदान का दिन होता है या मतगणना का दिन होता है तो सबसे पहले जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने वाहेगुरु को, अपने गॉड को याद करते हैं, अपने ईष्ट देव को याद करते हैं, और फिर उसके बाद वो मतदान करने के लिए जाया करते हैं। तो सभी प्रार्थनाएं ईश्वर से तो होंगी, लेकिन वो जनता जनार्दन है जो फैसला करेगी कि आखिर आज वो मत वोट किसको डालने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो 5:40 तकरीबन का वक्त हो चला है, सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी। कुल 199 सीटों पर मतदान होना है, 1875 उम्मीदवार मैदान में। और अगर बात हम वोटर्स की करें, मतदाताओं की करें, तो 5,29,00,000 वोटर्स होंगे जो कि वोट डालेंगे, या कहें कि उनको वोटिंग राइट है, मतदान का अधिकार है उनको। और पूरी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से भी की गई है कि हर लिहाज से ज़्यादा मतदान करने के लिए मतदाता पोलिंग बूथ्स तक आएं, और पिछले जितने भी